किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जब हम अपना तन मन और धन ही नहीं बल्कि अपना जुनून भी जब झोंक देते हैं पूरे तरीके से, तो विश्वास मानो दोस्तों हमारी कुंडली के सितारे भी यूं बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु। एक बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी के इतने बड़े परिवार वरुण अवस्थी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, एग्जाम की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, चीजों को याद रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज आप सभी को पता है एक बार फिर से ल्यूसेंट का वॉल्यूम 2 लेकर आया हूं, और वो भी इस वजह से क्योंकि एग्जाम को केवल 10 दिन रह गए हैं सीजीएल मेंस के लिए, उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस लगा हुआ है, सीएचएसएल सीपीओ आगे लगे ही हुए हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ल्यूसेंट को कवर करना एक बार फिर से जरूरी है। अब हमारे बीच में कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कहेंगे कि सर ल्यूसेंट के बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो आपसे 25 क्वेश्चन प्री में ही अगर पूछे जाते हैं या किसी भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से रेशियो निकाल लेना। एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन 25 में से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे और ना ही सुने होंगे। इसके बाद करीब करीब 5 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो करंट अफेयर से आजकल बन रहे हैं। ले देकर अगर हम 10 क्वेश्चंस को करीब करीब हटा दें, तो 15 क्वेश्चन आप चाहे इस बात को समझे या फिर अपने आप को समझने से रोकें, नियति नहीं बदलने वाली है। हर पेपर में ये जो 15 क्वेश्चन 25 में से हैं, ये हमेशा इन्हीं क्वेश्चनों में से बनते आए हैं जो कि आपको बहुत इजी लगते हैं, और माफ कीजिएगा आप उसमें गलतियां भी खूब करते हो। यही कारण है कि आपने कई बार सुना होगा कि वो स्टूडेंट जो कि लगातार पढ़ रहा होता है, क्लास में आंसर कर रहा होता है, और टीचर को यह लग रहा होता है कि इसका इस बार सिलेक्शन होगा, लेकिन उसका पेपर खराब चला जाता है, जबकि वो स्टूडेंट जिससे उम्मीद नहीं होती है उसका पेपर बेहतरीन चला जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इन्हीं 15 क्वेश्चंस के खेल का है। जो स्टूडेंट आखिरी में भी केवल रिवीजन ही करके चला जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के सिंपल क्वेश्चन देख के भी, वो भी जाके इन क्वेश्चंस को उड़ा देता है, लेकिन वो वाला स्टूडेंट जो कि अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा होता है, जो सोच रहा है ये तो मैंने एक बार पढ़ लिया फिर तो पढ़ना ही नहीं है, इन पर फोकस करो, तो विश्वास मानो दोस्त ये 4 क्वेश्चन तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये हर बार सरप्राइज करने के लिए होते हैं, जिनको देखकर लोग बोलते हैं अरे एसएससी की दिशा पता नहीं कहां भाग रही है, अरे यूपी पीसीएस की दिशा कहीं और भाग रही है। दिशा कहीं नहीं भाग रही है, थोड़ा बहुत बदलाव इन्हीं 4 से 5 क्वेश्चन में बस होता रहता है, जिसको देखकर हम पूरा पेपर ही जज कर लेते हैं अपने तरीके से, तो ये तो गलत हुआ ना। बहरहाल शुरुआत में ही बोल देता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है ये सीरीज उनके काम की नहीं है, तो आप जाके इन क्वेश्चंस के पीछे मेहनत कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि इस सीरीज में कवर करने जा रहे हैं ल्यूसेंट को एक बार फिर से, जहां पर मैं 1000 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और आपको पता ही है कि वहां से क्वेश्चन देखने को फिर मिलेंगे 100% ये होने वाला है, तो इसलिए चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर कांस्टेबल उसका हो, या फिर दिल्ली पुलिस हो, आप एक्सवाईजी कोई भी राज्य का एग्जाम देने जा रहे हो, सबको यहां से मदद मिलने वाली है। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से नन्हे मुन्ने क्वेश्चन एंजॉय करते हुए कब हम लोग 1000 क्वेश्चन अगले कुछ दिनों की सीरीज में कर जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। डेली मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और डेली क्लास होगी रात में 9 बजे। हाँ, ज्यादा वादे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि नवरात्र भर में ही दशहरे वाले दिन तक मैं इस सीरीज को खत्म कर दूं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से आंसर करते जाना, मैं भी आपसे बातचीत के थ्रू आपको समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। आपको पता ही है एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई दूसरा क्वेश्चन होता है तो वहां पर भी मैं डिस्कशन करता हूं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए आंसर करिए, ये कौन सी जगह है जहां पर बुद्धा का जन्म हुआ था, पहले तो आप ये बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, बुद्धा का जन्म पूछता है कि कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, आज की डेट में आप जिसको नेपाल के नाम से जानते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। तो जन्म और मृत्यु पता लग गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया, ठीक है। इसको बोध गया इसी वजह से बोला जाता है कि बुद्धा को यहां पर बोध हुआ था, बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अदरवाइज ये बिहार का गया शहर है।
करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार बुद्धा का सबसे बड़ा स्टैचू कहां पर बना रही है, तो गया में ही बन रहा है सबसे बड़ा स्टैचू। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो हमेशा आपको एक नाम ध्यान रखना है, कौन, कोई बता सकता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। कौन से वर्ष में करी गई थी, सन 1875 में करी गई थी। कभी कभी पूछ देता है कहां पर करी गई, तो ये करी गई थी मुंबई में। कहां पर, मुंबई में। मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है गिरगांव, तो गिरगांव में मुंबई के अंदर 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या है, इनका रियल नेम क्या है, क्योंकि स्वामी की तो उपाधि इनको दे दी गई थी, तो इनका रियल नेम क्या था, मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसको पंजाबी भाषा आप बोलते हो ना, ठीक है, पंजाबी भाषा नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसे बोलते हो, दरअसल उसे किस नाम से जाना जाता है, पंजाबी जो है ये साइन लैंग्वेज है किसकी, गुरमुखी, गुरवाणी, संकीरत या फिर प्राकृत, तो इसको बोलते हैं गुरमुखी भाषा। क्या बोलते हैं, गुरमुखी भाषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है, गुरमुखी भाषा सिख धर्म के अंदर कौन से गुरु के द्वारा दी गई है, बताइए, गुरुमुखी भाषा सिख धर्म के अंदर कौन से गुरु के द्वारा दी गई है, बताओगे, चलिए मैं ही बता देता हूं, गुरु अंगद देव के द्वारा दी गई है। अब आप में से कई लोगों को समझ आने लगा होगा कि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हमें कहां से फंसाते हैं, ठीक है, तो अपने आप से खुद सवाल करिए और उसका जवाब लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड, भारत में भूमि के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र कौन सा है, इसको क्या बोला जाता है, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, मन्नार की खाड़ी या फिर इंदिरा कोल। भैया मन्नार की खाड़ी तो ये है ना, भारत की सीमा रेखा के बाहर है ना, मतलब ये जो आप बोल सकते हो वाटर बॉडी है, यही है ना मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका और भारत के बीच में, तो इसकी तो बात ही हटा दो, ये आपसे क्या पूछ रहा है, भूमि वाला हिस्सा, तो भैया ये जो भूमि वाला हिस्सा है ये है कन्याकुमारी, ये कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कभी कभी आपसे पूछ देता है, भूमि हटा देगा केवल, ये वर्ल्ड हटा देगा, और अब आपसे पूछेगा विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यह कहां पड़ता है, यह आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, द सन राइजेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली, भारत का ये कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य सबसे पहले उगता है, तो भारत में सूर्य सबसे पहले कहां से उगता है, पूर्व से उगता है ना भाई, तो भैया सबसे पूर्वी राज्य भारत का कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जहां से सबसे पहले, अरे भाई ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो भैया सूर्य इधर से आना शुरू हो रहा है ना, तो अरुणाचल प्रदेश। इसी में एक और क्वेश्चन, दुनिया का यह कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है, तो आप जब वर्ल्ड का मैप देखोगे, मानचित्र देखोगे, तो उसमें आप देखोगे ये एशिया वाला रीजन है, और जब आप और आगे चलते चले जाओगे तो यहां देखोगे जापान है। क्या है, जापान, पैसिफिक ओशियन में। तो पूर्व में सबसे पहले सूर्य कहां पर उगेगा, जापान में उगेगा, जापान में सबसे पहले सूर्य की किरणें गिरती हैं, ठीक है, और भारत में वही क्रम अरुणाचल प्रदेश में। इसी में क्वेश्चन उल्टा कर देता है, भारत में यह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे आखिर में सूर्य डूबता है, तो भैया सबसे पश्चिमी जो होगा वहीं पर सबसे आखिर में डूबेगा, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात हो गया। तीन क्वेश्चन यहां से निकले हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन किस बीमारी का इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, कैंसर, एचआईवी, डायबिटीज या फिर ल्यूकीमिया। इंसुलिन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इंसुलिन किस बीमारी का इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, इंसुलिन का स्त्राव किससे होता है, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है ना, देखिए हमारी बॉडी में पैंक्रियाज होती है ना, और पैंक्रियाज दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करती है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, वैसे इंसुलिन डायरेक्टली शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में जो शुगर होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो ग्लूकोज के फॉर्म में इकट्ठा होता है तो उसी को बोलते हैं ग्लूकेगॉन, ठीक है। अब जब इंसुलिन काम ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में जो शक्कर होगी, जो चीनी होगी,
वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो नहीं पाएगी, और जब चीनी की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। इतना क्लियर है सभी को? और सुल्तान को इतनी मोहब्बत कम क्यों बख्शी गई है, मोहब्बत थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ। चलिए बताइए, कोई व्यक्ति जब HIV से ग्रसित होता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में कौन से सेल्स होते हैं जिनका विनाश हो रहा होता है? कोई व्यक्ति जब HIV से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति की बॉडी में, उस व्यक्ति के शरीर में कौन से सेल नष्ट हो रहे होते हैं? आंसर क्या है? लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कहां पाए जाते हैं? ये हमारे रक्त में मौजूद जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, जिनको WBC बोलते हैं, WBC के अंदर 5 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, उन 5 में से एक सेल होता है लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट्स काम क्या करते हैं? ये प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। बात आ रही है समझ? ओके। और जब ये लिम्फोसाइट ही डिस्ट्रॉय होते हैं तो जाहिर सी बात है इंसान किससे ग्रसित हो जाएगा? HIV से ग्रसित हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। बिहू एक फेमस त्यौहार है कौन से राज्य का? बिहू कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बहुत सिंपल है, यह आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, और बिहू फसल कटने के बाद मनाया जाता है। एक बात बताइए, अभी हाल ही में कई सारी राज्य सरकारें कौन सी तरीके की फसलों के लिए अभियान चला रही हैं? बताइए कौन सी तरीके की फसलों के लिए अभियान चला रही हैं? ध्यान दीजिएगा, इधर दो तरीके की जनरली फसल होती है। कौन सी? एक होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल। तो रबी की फसल का समय क्या होता है? रबी की फसल की जो बुआई है यह अक्टूबर में करी जाती है और इसकी कटाई होगी जाकर फरवरी में। इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक करी जाती है, यह फसल बनके तैयार होती है फरवरी में, फरवरी में इसे काटा जाता है। और जो खरीफ की फसल होती है यह गर्मी में होती है, इसे जून के महीने में उगाया जाता है। ठीक है, जून जुलाई के महीने में। और काटा कब जाता है? यह फसल काटी जाती है अक्टूबर में। तो अभी जो फसल की कटाई हुई है वो कौन सी फसल की कटाई हुई है? खरीफ की फसल की कटाई हुई है। और अब कौन सी फसल की बुआई होने जा रही है? रबी की फसल की बुआई होने जा रही है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल आ जाती है? तो रबी में अब गेहूं बोया जाएगा, ठीक है, सरसों बोई जाएगी, ठीक है, यह सब आपकी किसमें आ जाती है? रबी की फसलों में आ जाती है। दूसरी तरफ इसी में आपकी जौ भी आ जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सा है? धान हो गया, मतलब जिसको चावल बोलते हो, सोयाबीन हो गया, ठीक है, ये सब खरीफ की फसलों में आ जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, बस एक मिनट में मैं आया। आपसे यहां पर पूछ रहा है गूसबेरी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गूसबेरी में आंसर आया क्या? गूसबेरी का मतलब पता है? गूसबेरी का मतलब पता है? आंवला बोलते हैं जिसको। गूसबेरी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है ना, और जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा। कभी कभी पूछ देता है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भाई, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, विलियम मेंटिक या वेलिंगटन? तो देखो, कभी भी आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? विलियम मेंटिक। विलियम मेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पहला। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? कोई बता सकता है? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोई समस्या तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया भाई, इसमें पॉलिटी भी कवर हो जाएगी, साइंस भी हो जाएगी कवर, सब हो जाएगा कवर।
पेपर को सबसे पहले कहां इन्वेंट किया गया था? तो कागज, कागज को सबसे पहले चाइना में इन्वेंट किया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चाय की खोज कहां पर हुई थी? चाय की खोज भी सबसे पहले चाइना में ही हुई थी। ठीक है, चाइना के एक शासक हुआ करते थे, वो गर्म पानी पीना पसंद करते थे, और एक दिन वो गर्म पानी कर रहे थे, ठीक है, लकड़ियों को जला के, तो अचानक से क्या है कि एक पत्ता आकर गिर जाता है, वो पत्ता उसी गर्म पानी में आकर बर्तन में गिर जाता है। अब जब वो उसे पीते हैं तो उन्हें स्वाद आता है, फिर वो उसी पत्ते को उबाल उबाल के पीने लगे। जब वो उसे उबाल के पीने लगे तब उन्हें समझ आने लगा कि ये तो स्फूर्ति लाने का काम करता है। अचानक से जब आप लेजीनेस फील कर रहे हो तो आप उसे पी लो। इस तरीके से चाइना में चाय का व्यापार शुरू हुआ। और भारत में सबसे पहले चाय का व्यापार किसने शुरू किया? ब्रिटिशर ने शुरू किया था। किसने? अंग्रेजों ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक साइंटिफिक नेम दे रखा है, आपको बताना है ये किसका साइंटिफिक नेम है। इसको बोलते हैं फिलैंथस एम्बलिका। तो आप बताइए फिलैंथस एम्बलिका किसका साइंटिफिक नेम है? केले का, अमरूद का, चेरी का या आंवला का? तो ये आंवले का ही साइंटिफिक नेम है, फिलैंथस एम्बलिका। कोई बता सकता है? चलिए बताइए, नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है? नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है बताइए, नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है? Have anybody idea about it? नाजा नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, जल्दी से बताइए। नाजा नाजा पता है किसको बोलते हैं? नाग को बोलते हैं। किसको? नाग। ओके, पूरे एशियन रीजन में और स्पेशली भारत में इसको नाग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है बुद्धा के बेटे का नाम क्या था, तो बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। इसी तरीके से महावीर स्वामी के बारे में पूछ देता है, पूछता है महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था, तो इनका नाम था अनुजा। क्या नाम था? अनुजा। और जो अनुजा थी, इनका विवाह महावीर स्वामी ने किससे किया था? अपने सबसे फेवरेट शिष्य से। और इनके पहले शिष्य कौन थे? इनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। अगला क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारत की जो सशस्त्र बल हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों का सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है? ये होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको सुप्रीम कमांडर माना जाता है। क्या बता सकते हो राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं? बताइए। मैंने पूछा राष्ट्रपति के पास कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 143। आपको एक चीज तो पता होगी, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल तब तक फाइनली पास नहीं माना जाता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करें। तो आप मुझे ये बताओ, किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को देता है? किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को देता है बताइए? आर्टिकल 123। अब भूलोगे तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक सॉर्टेड है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन? ये कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रात में अंधापन हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाती है, रात में आपको देखने में दिक्कत होगी? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है बता सकते हो? स्कर्वी नाम का रोग होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स का मतलब क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोंगल कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? अब इसमें पता है, मैं 50-50 कर देता हूं। चलो, कर्नाटक काट दिया, आंध्र प्रदेश काट दिया, इन दोनों में बताओ। कंफ्यूजन तो इन्हीं दोनों में रहता है सबसे ज्यादा। अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो क्या आंसर करोगे, तमिलनाडु या केरल? पोंगल कौन से राज्य का फेमस त्यौहार है बताइए? पोंगल कौन से राज्य का फेमस त्यौहार है, तमिलनाडु या केरल? दो तो मैंने हटा दिए,
दो ही केवल चॉइस बती हैं, बताइए तमिलनाडु या केरल। एज आई एक्सपेक्टेड, वैसे 60-70% लोग मैं देख पा रहा हूं आंसर कर रहे हैं सही, जो लोग तमिलनाडु आंसर कर रहे हैं। जो लोग केरल आंसर कर रहे थे, अब यह गलती आपसे नहीं होना चाहिए, आप तमिलनाडु को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले जो पोंगल है यह तमिलनाडु से ही स्टार्ट हुआ था, हालांकि कर्नाटक के कुछ हिस्से में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, हर जगह पर यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन के इन्वेंटर कौन है और इन्हीं को टेलीविजन का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेलीविजन, तो यह है जॉन लॉगी बियर्ट। कौन है? जॉन लॉगी बियर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं WWW को किसने इन्वेंट किया है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके बिना आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो, WWW को किसने इन्वेंट किया है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो नो डाउट, भारत की पहली महिला शासक आप देखोगे रजिया सुल्ताना, मिडवेल हिस्ट्री में आपको पता लगेगा। कौन से वंश से थी रजिया सुल्ताना? स्लेव डायनेस्टी से, जिसको गुलाम वंश बोलते हैं, और गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ममलुक वंश। ममलुक वंश। क्या था कार्यकाल रजिया सुल्तान का? 1236 से लेकर 40 तक। रजिया सुल्तान ने कितने तरीके के सिक्के चलाए थे? 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। एक और क्वेश्चन रजिया सुल्तान से बनता है, यह कौन सी महिला शासक है जिसने पर्दा प्रथा को नहीं माना था? तो आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप में से कौन बता पाएगा रानी लक्ष्मीबाई ने अपना आखिरी युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने अपना आखिरी युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि अंग्रेजों की हड़प नीति के नाम से जानी जाती है, उसके खिलाफ लड़ी थी ना, तो अपना आखिरी युद्ध इन्होंने किस ब्रिटिश कमांडर के खिलाफ लड़ा था? इसका नाम था जनरल ह्यूरोज। क्या नाम था? जनरल ह्यूरोज। आंसर आया था क्या किसी का? देखें, ज्यादातर लड़के आंसर लिख रहे हैं रोज। टाइटैनिक ज्यादा याद आ रही है क्या? ध्यान रहे, आखिरी में डूब गया था टाइटैनिक। हाँ, मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ना, मिलता कुछ नहीं है सिवाय कटोरे के, और कटोरा लेके उसके बाद भीख मांगनी पड़ती है। एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद मोहब्बत भी करना, टाइटैनिक में भी घूमना। चलिए अगला क्वेश्चन, फिश टेक्स द ब्रीथ बाई, मछली जो होती है ये सांस किससे लेती है? जाहिर सी बात है, गिल्स से, गलफड़ों से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस धरती पर ये कौन सा जीव है या कौन सा मैमल है जिसके हृदय का वजन 600 किलो तक होता है? जिसके हृदय का वजन 600 किलो तक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्लू वेल, वेल मछली। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं भगत सिंह लगा के, लेकिन आंसर क्या है सही? हर्षद मोहानी। इन्होंने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हालांकि जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने क्रूड वाले बम फोड़े थे, तब वहां पर भगत सिंह ने भी इस नारे का यूज किया था, इंकलाब जिंदाबाद का, ठीक है, लेकिन हर्षद मोहानी के द्वारा ही यह नारा दिया गया था। क्या आप बता सकते हो सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड कौन से वर्ष में कांग्रेस के द्वारा करी गई थी? सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड कौन से वर्ष में कांग्रेस के द्वारा करी गई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड कौन से वर्ष में कांग्रेस के द्वारा करी गई थी? करिए आंसर। बताइए जल्दी से, अभी तक तो आंसर नहीं आया है भाई। 1929 वाले सारे चीते सही है। 1924 क्यों बोल रहे हो भाई मेरे? 1929 वाले सभी लोग सही हैं। और ये डिमांड कहां से करी गई थी? लाहौर से करी गई थी। कहां से? लाहौर से करी गई थी। एक बात बताइए, पाकिस्तान की डिमांड सबसे पहले किसने करी थी? पाकिस्तान की डिमांड सबसे पहले किसने करी थी? कोई आंसर कर सकता है? पाकिस्तान की डिमांड सबसे पहले किसने करी थी? एनी आइडिया? चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या बता सकते हो? 1925 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को चौंका कर रख दिया था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई थी? 1925 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के गाल पर करारा तमाचा जड़ा था? करो आंसर। क्या आप आंसर कर पाओगे? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। 1925 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के गाल पे करारा तमाचा दिया था? बहुत बढ़िया, काकोरी लूट केस। क्या बोलते हैं? काकोरी केस या काकोरी लूट केस को अंजाम दिया था किसने? किसने? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, इन सभी ने। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कौन से समूह की स्थापना करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। कौन से वर्ष में? 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और इसी वर्ष में इन्होंने इस नई पार्टी की स्थापना करी थी। कहां से? कलकत्ता से स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? पंजाब केसरी के नाम से हम सभी लाला लाजपत राय को जानते हैं। लाला लाजपत राय का निधन कौन से वर्ष में हुआ था? 1928 में। 1928 में। 1928 में कौन सा कमीशन भारत में आया था? कौन सा कमीशन भारत में आया था जिसकी वजह से लाला जी की मृत्यु हुई थी? इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ देता है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 मेंबर्स थे। कितने? 7 मेंबर्स। और इसी को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना गया। क्या बोला गया? व्हाइट मैन कमीशन। अगला क्वेश्चन, जेपी सैंडर्स को कौन से शहर में मारा गया था? मारना था स्कॉटिश को जिसने लाला जी की हत्या की थी, लेकिन मारा गया कौन? जेपी सैंडर्स, गलती से। कौन से शहर में मारा गया था? लाहौर में। लाहौर में किसने मारा था? भगत सिंह और सुखदेव। हु सैक्रीफाइड हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अपने प्राण त्याग गए थे, सबसे पहले अपने प्राण दिए थे 1857 के विद्रोह में? लियाकत अली, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? भाई हम सभी को पता है 1857 का जो विद्रोह है यह 29 मार्च को हुआ था, और यह विद्रोह सबसे पहले कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से हुआ था। कहां से? बैरकपुर से। और किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। तो आंसर क्या हुआ? नन ऑफ अबव। बाकी लियाकत अली कहां से थे? ये इलाहाबाद से इन्होंने विद्रोह किया था। बहादुर शाह जफर सेकंड ने दिल्ली से विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कहां से किया था? कोई बता सकता है? झांसी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, तब भारत की पहली महिला गवर्नर बनाई गई सरोजनी नायडू, और 1947 से लेकर 49 तक ये 2 साल गवर्नर रही। कौन से राज्य की गवर्नर रही? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन आपका आंसर करोगे, सरोजनी नायडू ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था? करो आंसर। सरोजनी नायडू ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था? पहला, दूसरा या तीसरा? कौन सा गोलमेज सम्मेलन? पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 32 में। देखे किसका आंसर आता है सही। बोलो भाई, डी वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन भी पूछ दिया, उसका आंसर करो बाबू। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। जो लोग दूसरा गोल में सम्मेलन बोल रहे हैं उन्हीं का आंसर सही है बाबू। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल समिट, इसी में तो कांग्रेस ने हिस्सा लिया था और सरोजनी नायडू कांग्रेस में ही थी, तो इन्होंने भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट किया। इसी में महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था और बी आर अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों में हिस्सा लिया था।
मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले और दूसरे में हिस्सा लिया था, तीसरे में नहीं लिया था। पहली भारतीय महिला जिन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी हुई है, तो ये है संतोष यादव। कौन है संतोष यादव? ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है? 27 बार। कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए हु फाउंडेड ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। अब एक क्वेश्चन और यहां से पूछता हूं, 1818, 1828, 1845 या फिर 1876, आपको बताना है इनमें से कौन से वर्ष में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी और कौन सी जगह पर करी थी वो भी बता देता हूं, कोलकाता में करी गई थी। चलिए आंसर करिए, कौन से वर्ष में करी गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा? मोहब्बत बढ़ाओ, मोहब्बत ऊपर ले जाओ, तो आओ इस अजीम मौके पर सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो, करो। 1828 वाले सभी सही हैं, वेरी नाइस। जिनको आंसर नहीं पता था ध्यान रखना भाई। बैक टू द वेदास किसने कहा है? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? इनका नाम था मूल शंकर, ठीक है। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? आर्य समाज के संस्थापक हैं। किसके? आर्य समाज। अगला क्वेश्चन, वास्को डगामा भारत में कब आया था? 1398, 1498, 1526 या 1600? वास्को डगामा भारत में कब आया था, कोई बता सकता है? यह पहली बार भारत में आया था 1498 में, 1498 में। और जब वास्को डगामा भारत में आया था तो भारत के कौन से राजा थे जिन्होंने वास्को डगामा का स्वागत किया था? तो इनका नाम क्या है? राजा जमोरिन। क्या नाम था? राजा जमोरिन। ये कहां के शासक थे? ये कहां के शासक थे? केरल वाले रीजन के शासक थे, ठीक है। और राजा जमोरिन ने ही वास्को डगामा को जाते टाइम भारत के मसाले दिए थे, ओके। तब जाकर वास्को डगामा यहां से मसाले ले गया, वहां के लोगों ने भैया नॉनवेज में मसाले डाल के खाना शुरू किया, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया, एकदम स्पाइसी चिकन बन गया, स्पाइसी मटन। एंड कहां से लाइए? वहां से लाए थे, भारत से। कहीं सारे चलो अब व्यापार करेंगे इसका। फिर ये लौट के यहां पर आए और यहां पर इन्होंने खेती करना शुरू किया। किसकी किसकी खेती करी इन्होंने? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, आलू की खेती करी इन्होंने, तंबाकू की खेती करी, ये सब इन्होंने खेती करी यहां पे। वास्को डगामा दोबारा पता है कब आया था? 1502 में आया था। एक बात बताओ, 1398 में कौन से फॉरेनर ने भारत में आक्रमण किया था? किस विदेशी ने भारत में आक्रमण किया था 1398 में? देखें दिमाग कितना काम कर रहा है, पढ़ाया हुआ है इस वजह से पूछ रहा हूं। 1398 में किस विदेशी ने भारत की धरती पर आक्रमण किया था 1398 में? अभी तक तो आंसर नहीं आया है भाई, बताइए। तैमूर लंग, किसका आंसर आया? ये आनंद, आनंद का आंसर सबसे पहले, वेरी नाइस। जिनको नहीं याद आ रहा था उनके दिमाग पर जोर अब पड़ चुका है, तैमूर लंग। दिल्ली के तख्त पर इसने आक्रमण किया था और उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, जो भाग गया था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में आई थी। इसके आगे भी एक और क्वेश्चन पूछता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कौन से जहाज से आई थी, इस शिप का नाम क्या था? तो इस शिप का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन नाम के जहाज से आए थे। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्या है? तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहां पर? तलवंडी में। और तलवंडी आज की डेट में पाकिस्तान वाले रीजन में है। तलवंडी इसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम पड़ चुका है। और नया नाम क्या है इसका? ननकाना साहिब, ठीक है। इसी को ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। खालसा का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है?
खालसा का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? सिख धर्म में हर एक सिख को अपने साथ कुछ चीजें कैरी करनी होती हैं, जैसे कि कृपाण, केश बाल नहीं कटवाने होते, कंघी, ठीक है, कड़ा, तो ये सारी चीजें खालसा के कंसेप्ट में आती हैं। ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? सिख धर्म के आखिरी गुरु, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। ये आखिरी और दसवें गुरु थे। क्या आप बता सकते हो ये कौन से गुरु थे, ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी, जिनको जहांगीर ने फांसी दी थी? ये कौन से धर्म के, ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? आंसर बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? ये कौन से सिख धर्म के गुरु हैं जिनको जहांगीर ने फांसी दी थी? गुरु अर्जन देव, अर्जन देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर कौन से सिख गुरु से प्रभावित था, इंप्रेस था? तो अकबर सिख धर्म के चौथे गुरु, गुरु रामदास से काफी प्रभावित था। और इनसे काफी प्रभावित था इसी वजह से, गुरु रामदास को पंजाब वाले रीजन में एक जमीन का टुकड़ा दिया था अकबर ने, ठीक है। अकबर इन्हें काफी मानता था और उसी जमीन पर आगे चल के अमृतसर बसा, अमृतसर शहर बसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है? आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। एक चीज और आयरन मैन से मुझे याद आया, क्या बता सकते हो अभी हाल ही में दुनिया का यह कौन सा शहर है जहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना करी गई है? किसकी? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना करी गई है। यह दुनिया का कौन सा शहर है जहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना करी गई है? अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में स्थापना करी गई है। कहां पर? वॉशिंगटन में। और यह स्टैच्यू किसका है? यह B.R. अंबेडकर का स्टैच्यू है। ये कितना ऊंचा स्टैचू है? 19 फीट का स्टैचू है। आपको लग रहा होगा कि ये तो काफी कम है। हाँ कम है, लेकिन भारत के बाहर आज तक का B.R. अंबेडकर का ये सबसे ऊंचा स्टैचू है। भारत में सबसे बड़ा स्टैचू B.R. अंबेडकर का कहाँ है? ये अभी कुछ टाइम पहले हैदराबाद में ही इनॉग्रेट किया गया था। ये कितने फीट का है? 125 फीट का है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विजय घाट जो दिल्ली में है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या B.R. अंबेडकर? बताइए विजय घाट किससे जुड़ा है? जो दिल्ली में विजय घाट है, ये इनमें से किसका समाधि स्थल है? देखिए महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है इसको राजघाट बोलते हैं, ठीक है। B.R. अंबेडकर का समाधि स्थल जो है इसे क्षेत्र भूमि बोलते हैं, क्षेत्र भूमि। लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर, विजय घाट इनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा करी गई है? कौटिल्य के द्वारा। इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? चाणक्य। चलिए आप में से कितने लोग बताएंगे, सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक, इनके जो शिलालेख हैं ये कितनी भाषा में लिखे गए हैं? बताइए सम्राट अशोक के शिलालेख कितनी भाषा में लिखे गए हैं? कितने लोग आंसर कर सकते हैं बताइए, सम्राट अशोक के शिलालेख कितनी भाषाओं में लिखे गए हैं? टोटल 6 भाषाओं में लिखे गए हैं। ये 6 भाषा कौन कौन सी हैं? एक तो है ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा अरम्यक, चौथा पाली भाषा, पांचवा ग्रीक भाषा और छठवीं संस्कृत, ठीक है। सबसे ज्यादा मूलतः यूज किया गया है इसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी का, क्लियर है? अब तो नहीं भूलोगे, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ये 6 भाषाएं हैं जिनमें सम्राट अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। और सबसे पहले इन शिलालेखों को डिकोड किसने किया था? इस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करी गई थी तो इसके पहले कौन बनाए गए थे? चलो यहां पर थोड़ी सी और चीजें आपको डिस्क्राइब करता हूं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1946 को। अब जब पहली बैठक हुई तो भैया ये कहा गया कि कोई तो अध्यक्षता करेगा ना, तो अब सब उस टाइम पे ब्लैंक हो गए। कहा गया यार कौन अध्यक्षता करेगा, ऐसे किसको अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये डिसाइड किया गया कि उस टाइम पर दुनिया भर में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत तवज्जो मिलती थी, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका यह निवारण था कि उस टाइम पर जो सबसे सीनियर हो उसको बना दिया जाए फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पर देखा गया पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे सीनियर मेंबर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको बना दिया गया भैया टेम्परेरी बेसिस पर। इनको कहा गया कि आप टेम्परेरी बेसिस पर फिलहाल अध्यक्षता करो। उसके दो दिन के बाद 11 दिसंबर तक सभी ने फुल प्रूफ तौर पर मतलब निर्विरोध वोट किया किसके लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा तो आज के बाद आप भूलोगे नहीं। टेम्परेरी प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है इतना सभी को? कोई भूलेगा तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किसने दी? प्रस्तावना जिसको प्रीफेस बोला जाता है, मतलब हमारे संविधान की शुरुआत की लाइन है, वो कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम या फिर राजेंद्र प्रसाद? जवाहरलाल नेहरू ने प्रीफेस का कंसेप्ट दिया था। क्लियर है? क्या आप बता सकते हो जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी हुई है, इस किताब का नाम है, यह काफी फेमस किताब रही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इन्होंने कौन सी जेल में लिखी थी किताब? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन सी जेल में बैठकर लिखी थी? उस टाइम पर इन्हें जेल हुई थी। कौन सी जेल में इन्होंने ये किताब लिखी थी बताइए? एनी आइडिया? रवि का आंसर सबसे पहले आया है। रवि को मेरी तरफ से 1000 अशरफियां गिफ्ट। अहमदनगर फोर्ट जेल, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस कौन से दिन मनाते हैं? आज भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है या मनाया जाता है, 8 मई को। किसकी याद में मनाया जाता है? हेनरी डुनेंट की याद में मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट इनका नाम है पूरा, हेनरी डुनेंट। ठीक है, इन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे पहले नोबेल प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? तो भी आंसर होगा हेनरी डुनेंट। कौन से वर्ष में? 1901 में। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं? बात हम लोग कर चुके हैं, जापान को। डूबते सूरज का देश किसको बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। चलिए बताइए, ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओणम कौन से राज्य का सबसे फेमस त्यौहार है? ओणम, ओणम केरल का है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, विश्व युद्ध द्वितीय में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस तरीके से जर्मनी का जो तानाशाह था ये हिटलर था, उसी तरीके से एक तानाशाह और फेमस था जिसने इस युद्ध में हिस्सा भी लिया था, वो इटली का तानाशाह था, इसका नाम क्या था? इटली का वो तानाशाह कौन था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था? हिटलर का साथ देते हुए, बताइए। एनी आइडिया? अभी तक तो आंसर नहीं आया है, चलिए मैं ही बता देता हूं। मुसोलिनी का नाम सुना है? मुसोलिनी, मुसोलिनी ये बहुत ही बड़ा वाला था, तो ये इटली का उस टाइम पे डिक्टेटर था। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो ये कौन सा वर्ष था? तो 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, और वहीं पर दिल्ली को भारत की नई कैपिटल डिक्लेयर किया गया। क्या बता सकते हो 1911 में भारत के कौन से मॉन्यूमेंट की स्थापना करी गई है? यह मॉन्यूमेंट काफी प्रसिद्ध है और मुंबई में है। यार अब तो मैंने हाथ पकड़ के ही पहुंचा दिया है, अब तो आंसर कर दो। 1911 में किस मॉन्यूमेंट की स्थापना करी गई थी, और 1924 में 13 साल के बाद यह बन के तैयार हुआ था? करो आंसर।
मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है ना। किसने करी थी इसकी स्थापना? जॉर्ज पंचम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, किंग जॉर्ज फिफ्थ। और गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया है? तो इसके आर्किटेक्ट का नाम है जॉर्ज विटेट। क्या नाम है? जॉर्ज विटेट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो बहुत सिंपल है यार। विच प्लैनेट इज नोन एज गैलेक्सी लाइक प्लैनेट? हमारे सोलर सिस्टम में ये कौन सा ग्रह है जिसको गैलेक्सी की तरह एक ग्रह माना जाता है, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, जो दूर से गैलेक्सी की तरह दिखाई देता है, हिंदी में बोले तो आकाश गंगा की तरह दिखाई देता है। तो ये इकलौता ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। और ये क्या है? सैटर्न। ठीक है, सैटर्न मतलब शनि। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा आप किसी प्लैनेट के अंदर नहीं, आप किसी आकाश गंगा के पास जा रहे हो, गैलेक्सी के अंदर जा रहे हो। विच प्लैनेट कंटेन्स सेकेंड मैक्सिमम सैटेलाइट? ये कौन सा प्लैनेट है जिसकी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इस टाइम पे? बताइए, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उपग्रह। देखिए, पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब इस टाइम पे सैटर्न के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो दूसरे नंबर पे जुपिटर हुआ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पूरे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर ही है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? स्पीड भी सही चल रही है क्योंकि क्वेश्चन बेसिक है। कल परसों की क्लास में आप देखोगे लेवल धीमे 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 करके बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? इसको बोलते हैं गैनीमेड। और यह केवल सोलर सिस्टम की ही सबसे बड़ी सैटेलाइट नहीं है, यह है एक्चुअली किसकी सैटेलाइट? जुपिटर की है। तो पहली चीज तो यह जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है और साथ में पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। अच्छा, अगर मैं कहूं सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो सैटर्न की सैटेलाइट है सबसे बड़ी, इसको बोलते हैं टाइटन, टाइटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा उसका अनुपात क्या है? नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है हमारा, इसका अनुपात क्या है? 3:2 होता है। ठीक है, ये 3 और ये 2। ठीक है, लंबाई 3 चौड़ाई 2। नेशनल सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? यह लिखा है बंकिम चंद चटर्जी ने। और जन गण मन यह हमारा राष्ट्रीय गीत है जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये कौन है जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का खिताब दिया है? ये कौन है जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस, रवीन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? ये हैं टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का खिताब दिया और महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव का खिताब दिया। किसका? गुरुदेव का खिताब। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब किसने दिया? राष्ट्रपिता का खिताब किसी ने नहीं दिया। ठीक है, किसी ने नहीं दिया, यह चीज ध्यान रखिएगा। इनको बापू का खिताब दिया गया था और बापू कौन बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई, यह फाइनली आरटीआई से भी पता लग चुका है। और महात्मा गांधी उस टाइम पर भी खुद भी यही बोलते थे कि मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मुझे महात्मा कह के मत बुलाओ। ठीक है, वो तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया तो लोगों ने महात्मा गांधी बोला। फिर इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न? जो भारतीय कैलेंडर है, ठीक है, जैसे आप पांचांग बोलते हो, ये इनमें से कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? ये शक संवत का। किसका? शक संवत। और शक संवत का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया था? राजा कनिष्क के द्वारा, राजा कनिष्क। अब आपसे एक क्वेश्चन, राजा कनिष्क कौन से वंश के शासक थे? प्राचीन काल में राजा कनिष्क कौन से वंश के शासक थे? बताइए, राजा कनिष्क कौन से वंश के शासक थे? क्या आइडिया है आपको? अभी तक तो आंसर नहीं आया यार, अभी तक नहीं आया आंसर।
रवि और श्रेया दोनों का आंसर सही है। बाकी जो लोग भी कुषाण वंश बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। जिनको नहीं पता था वो लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये कुषाण वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है, ठीक है, वो शक संवत है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म का कैलेंडर, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है हिजरी संवत। क्या बोला जाता है? हिजरी संवत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेसमेकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन? पेसमेकर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका लेना देना कौन से अंग से है? ब्रेन, लिवर, स्टमक या हार्ट? तो इसका लेना देना है किससे? हार्ट से। यह हार्ट बीट को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, लिवर या फिर सेरेब्रम? आंसर करोगे? वैसे जो सेरेब्रम है ना, ये हमारे दिमाग का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है, और इतना ही नहीं, ये लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारे पूरे दिमाग का 65% हिस्सा कवर करता है सेरेब्रम। क्लियर हो रही है बात? बाकी लिवर, थाइमस ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। ओके, और एक क्वेश्चन बनता है थाइमस ग्लैंड से, पता है क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, हमारे शरीर में ये कौन सी ग्रंथि है जिसकी वजह से एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है? ये ग्रंथि जैसे जैसे कमजोर होगी वैसे वैसे इंसान में बुढ़ापा आता जाएगा, थाइमस ग्लैंड। थाइमस कहां पर होती है पता है? यहां पर, बीचों बीच, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन यूज्ड विच मेटल फर्स्टली? इंसानों ने सबसे पहले कौन सी धातु का यूज किया था? सोना, चांदी, ब्रास या कूपर? सबसे पहले तांबे का यूज किया था इंसानों ने, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो, सबसे पहले इंसानों ने किस चीज के नोकदार हथियार बनाए थे? किस चीज के नोकदार हथियार बनाए थे? करो आंसर। इंसानों ने सबसे पहले किस चीज के नोकदार हथियार बनाए थे? पत्थर के बनाए थे, ठीक है, पाषाण काल की बात हो रही है, पत्थर के, और उसके बाद फिर कूपर के बनाए थे, मेटल के फिर बनने लगे। यह कौन सा आर्टिकल है जो कि लोकसभा के बारे में बताता है? आर्टिकल 79 संसद के बारे में बताता है, मतलब पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है, और आर्टिकल 82 संसद के सदन के बारे में बताता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया? लोकसभा। और लोकसभा से बनने वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। लोकसभा का संचालन कौन करता है? स्पीकर करता है। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 550 इलेक्टेड होते हैं और 2 एससी एसटी कम्युनिटी से आ सकते हैं। पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जिनको खत्म कर दिया गया। अब भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? पहले 2.5 लाख हुआ करता था, 2017 से इसको 5 लाख कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, ये कितने बार चुनावी प्रक्रिया से इलेक्ट होकर आ सकता है? कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, कितने भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉट सी आउटर स्काई एस, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनको अंतरिक्ष कौन से रंग का दिखाई देता है? काला, नीला, हरा या सफेद? इनको काला दिखाई देता है, काला, ठीक है, काला रे। फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी इन इंडिया? सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन कौन से शहर में शुरू हुई थी? यह हुई थी कलकत्ता में। कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? 1984 में। और सबसे लेटेस्ट मेट्रो कहां की है? सबसे लेटेस्ट मेट्रो कहां की है जिसका शुभारंभ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के ही सीजन में करने वाले हैं, इन्हीं नवरात्रि में ही करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ। यह सबसे लेटेस्ट मेट्रो यह चल रही है
RRTS इसका नाम है। RRTS का फुल फॉर्म रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम। ये कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है? ये दिल्ली से कनेक्ट करेगी मेरठ तक वाया गाजियाबाद। दिल्ली से मेरठ तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, अब ये सिर्फ 59 मिनट में पहुंचाएगी, मतलब 1 घंटे में केवल पहुंचाएगी यहां तक। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय रेलवे की स्थापना करी गई? रेलवे की स्थापना डलोजी के टाइम पीरियड पे 1853 में करी गई थी। ठीक है, कहां से कहां तक चली थी? ये 34 किलोमीटर तक सबसे पहले बार चलाई गई थी, बंबई से लेकर ठाणे तक। भारत में निम्नलिखित बजट में से कौन से बजट का उपयोग किया जाता है? जेंडर, परफॉर्मेंस, सरप्लस या जीरो बेस्ड बजट? भारत में जीरो बेस्ड बजट का यूज किया जाता है। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब आप, जैसे आज 2023 चल रहा है, तो जब आप 2024 का बजट बनाओगे तो आप 2023 के बजट को शून्य मान लोगे, जीरो मान लोगे। आप नए तरीके से हर विभाग की रिक्वायरमेंट लोगे और नए तरीके से पैसे का आवंटन करोगे, मतलब पिछले वाले बजट को हमें बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करना है, नए सिरे से पूरा नया बजट बनाना है, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। और परफॉर्मेंस बेस्ड बजट इसका उल्टा होता है, इसमें हम प्रीवियस ईयर बजट का आकलन करते हैं और उसके आधार पर नया बजट बनाते हैं। जेंडर बेस्ड बजट का मतलब होता है वो पैसा जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए आवंटित किया जाता है, उसे बोलते हैं जेंडर बेस्ड बजट। और सरप्लस बजट का मतलब होता है फायदे का बजट। फायदे का बजट ये कि सरकार ने बजट बनाया था 10 रुपए का, सरकार ने सोचा था कि हम 10 रुपए में ये 1 साल का खर्चा चलाएंगे, लेकिन सरकार ने 6 रुपए में ही खर्चा चला लिया, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। 4 रुपए बच गए ना, फायदे का बजट इसको बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, कि सरकार ने 10 रुपए का बजट लिया था लेकिन अंत में जाके देखा तो खर्चा कर दिए 18 रुपए। ये 8 रुपए कहां से आए एक्स्ट्रा? 8 रुपए जाहिर सी बात है उधार लेकर आए, बोरो किया गया मार्केट से, तो ये क्या कहलाता है? डेफिसिट बजट। पहले आए भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। और ये इंडियन फोर्स में कौन से विंग से बिलोंग करते थे? इंडियन एयरफोर्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? क्या आप बता सकते हो आईसीजे का हेडक्वार्टर क्या है? आईसीजे दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय जिसको बोला जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर ये केसेस की सुनवाई करते हैं। आईसीजे का हेडक्वार्टर क्या है बताएंगे? द हेग, नीदरलैंड में द हेग इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और आईसीजी में आपको पता है एक जज का कार्यकाल कितने साल का होता है? एक जज का कार्यकाल कितने साल का होता है? 9 साल का कार्यकाल होता है। और कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस? बिल्कुल सिंपल है, हर एक भारतीय को यह पता होना चाहिए हिंदी दिवस कौन से दिन मनाते हैं। इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, करिए आंसर। हिंदी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए इसमें। बोलो भाई, एक कह रहा 12 अक्टूबर को मनाया। अच्छा, अभी तुमने मनाया था 12 अक्टूबर को, पगला हो क्या एकदम? 14 सितंबर वाले सभी लोग सही हैं, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया? भारत में सबसे पहले रॉकेट बनाने का श्रेय किसको जाता है? हैदर अली को जाता है रॉकेट बनाने का श्रेय। और आपको पता है विलियम गॉर्डन कौन था? विलियम गॉर्डन वो अंग्रेजी अधिकारी था जो कि मंगल पांडे का दोस्त था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है विलियम गॉर्डन से, स्टेटमेंट ये लिखता है कि ये कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जो कि आजादी की लड़ाई में भारतीयों की तरफ से लड़ा था, तब आपका आंसर होता है विलियम गॉर्डन। क्योंकि विलियम गॉर्डन ने मंगल पांडे को बचाने की कोशिश करी थी, कहा था कि आप अपने स्टेटमेंट से मुकर जाओ, लेकिन मंगल पांडे को विलियम गॉर्डन के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा था क्योंकि धर्म की बात आ गई थी और मंगल पांडे ने डिनाई कर दिया था। यह कौन सा ब्रिटिशर है, ठीक है, जिसने भारत की तरफ से लड़ाई, देखिए वही आ गया, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, तो आंसर क्या होगा? विलियम गॉर्डन। और थॉमस रो पता है कौन है? थॉमस रो कौन था? यह बात है सन 1608 की,
जब दिल्ली में बादशाह जहांगीर था मुगलिया सल्तनत का शासक, तो जहांगीर के समय में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस पहला ब्रिटिशर जो कि मुगल सल्तनत के कोर्ट में आया था फैक्ट्रियां लगाने के लिए, मांग करने। और उसके बाद 1615 में दूसरा ब्रिटिश अधिकारी थॉमस रो आया था। ये वो थॉमस रो है। कौन सा देश अधिकतम देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है इनमें से? भारत, चाइना, यूक्रेन या सिंगापुर? बताइए ये कौन सा देश है इनमें से जो कि सबसे ज्यादा देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? भारत, चाइना, यूक्रेन या सिंगापुर? भाई अगर ट्रांसलेशन उसमें दिख नहीं रहा है तो मैं बोल तो रहा हूं ना हिंदी में, मैं हिंदी तो बोल रहा हूं ना, या मैं मंदारिन भाषा यूज कर रहा हूं? चाइना इज द राइट आंसर। चाइना, चीन। और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीन की ही भाषा है जिसको मंदारिन बोला जाता है। मंदारिन सबसे ज्यादा यह भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? जाहिर सी बात है हिंदी, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। और तीसरे नंबर पे कौन सी बोली जाती है? बंगाली। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। और शिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा फेमस शहर स्थित है? उज्जैन, महाकाल की नगरी, ठीक है। चलिए गंगा से एक क्वेश्चन पूछता हूं। गंगा की लेंथ कितनी है? गंगा नदी की लेंथ कितनी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जिसकी लेंथ कितनी है? पच्चीस किलोमीटर, अब भूलना नहीं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। नर्मदा नदी जो है ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी? यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन, यह कौन सी गैस है जो कि बायोगैस में सबसे ज्यादा पाई जाती है, अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? बायोगैस जिसको हम लोग हिंदी में गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ठीक है, मीथेन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किस तरीके से? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये बात ये नहीं हो रही है कि वो सूर्य का चक्कर कैसे लगा रही है, बात हो रही है वो अपनी धुरी पर रोटेट हो रही है। कैसे? ऐसे, जैसे मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है, तो ये अपनी धुरी पर घूम रही है। ये समझाने का वर्ल्ड कप एडिशन है भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इसलिए समझाने का तरीका है। ये अपनी धुरी पर ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये कौन सी दिशा में घूम रही है ये बताओ? वेस्ट टू ईस्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, वेस्ट टू ईस्ट। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है? यह सीधे ऐसे नहीं, ऐसे है, हल्की सी टिल्टेड है। बताइए ये कितनी धुरी पर झुकी हुई है? ऐसी नहीं है, ऐसे। मुंडाल साहब का आंसर सही है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान दीजिए, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा वर्ष है जब अमेजॉन की स्थापना करी गई थी? आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ी कॉमर्शियल वेबसाइट अमेजॉन की है, जेफ बेजोस की कंपनी है, इसकी स्थापना इन्होंने 1994 में करी थी। इसकी जब स्थापना करी गई तो हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। इधर देख लो कुछ कंपनियां जो कि दुनिया भर में हमेशा न्यूज में रहती हैं, तो इनकी स्थापना कब करी गई? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 न्यूज में बहुत रहता है, एप्पल की स्थापना 1976, इसके बाद अमेजॉन की स्थापना 1994, ठीक है। एक आप ध्यान रखना, गूगल, गूगल की स्थापना 1998, एक और ध्यान रखना फेसबुक जिसको आप मेटा बोलते हैं, इसकी स्थापना साल 2004 में,
इसके बाद यूट्यूब, जहां पर आप क्लास देख रहे हो 2005 में, ठीक है। तो ऐसे इन कंपनीज के स्थापना आप ध्यान रखिएगा। इस टाइम पर जोमैटो बहुत न्यूज में चल रहा है, इन्होंने अभी हाल ही में एक अपनी नई सर्विस स्टार्ट करी है, एक्सट्रीम नाम की सर्विस, जिसमें आप सामान भेज पाओगे एक जगह से दूसरी जगह। तो जोमैटो की स्थापना कब करी गई? 2008 में। अगला क्वेश्चन, हु सेड स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये वर्ड थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के। मुझे आप बताइए, जिस दिन तिलक का निधन हुआ था उस दिन महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? करिए आंसर। जिस दिन तिलक का निधन हुआ था उस दिन महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था? आंसर बताओ, नहीं तो बेटा विकेट ले लूंगा मैं तुम्हारा यॉर्कर डाल के। और मैं विकेट लू ना लू, एग्जामिनर जरूर ले लेगा विकेट, ठीक है। इसलिए करिए आंसर। अभी तक तो नहीं आया। दिनेश का कहना है गोली से तेज आंसर दूंगा, और आंसर दे नहीं रहे, बोल रहे हैं बार बार, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है बंदा, गोली से तेज आंसर दूंगा, गोली से तेज आंसर दूंगा, गोली से तेज आंसर दूंगा, आंसर नहीं आ रहा है। वही वाला सपने मुंगेरी लाल के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लोग बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गोली से तेज आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर करिए, पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा था? तो सबसे पहले हिंदी भाषी अखबार था उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, ठीक है। अब आपको आंसर देना है कि उदंत मार्तंड के पब्लिशर कौन थे, किसने इसको पब्लिश किया था इस न्यूज़पेपर को? करिए आंसर, किसने इसको पब्लिश किया था? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताइए उदंत मार्तंड को किसने पब्लिश किया था? एनी आइडिया? एक आंसर आया यार, मैं उसका नाम नहीं देख पाया स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट ने इतनी देर बाद आंसर किया है। चलिए ध्यान रखना आपसे, 1826 में उदंत मार्तंड नाम का ये जो अखबार है ये हिंदी भाषा में पहली बार प्रकाशित किया गया, और इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर शुक्ला। क्या नाम है इनका? जुगल किशोर शुक्ला। अगला क्वेश्चन, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में मौजूद है? तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। किसमें? मिल्की वे गैलेक्सी में। पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो प्लूटो है उसको प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया, अब वो बौना ग्रह कहलाता है, डॉग प्लैनेट कहलाता है, इसलिए अब 8 प्लैनेट है। तुलसीदास ने रामचरितमानस कौन सी हिंदी लिपि में लिखी हुई है? अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी या फिर सूर्यमुखी? बहुत बेसिक क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है, लास्ट टाइम एसएससी सीपीओ में पूछा गया यह क्वेश्चन है। मंजिलें क्या है, फासला क्या है, मंजिलें क्या है और फासला क्या है, इनकी कोई वक्त नहीं होती। अगर हौसला है, अगर हौसला है तो जिंदगी का कोई भी फासला निरंतर है। बताइए, अवधि इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। इंडिया हैज वॉन 8 times गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम्स? भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है कौन से ओलंपिक्स में? हॉकी में, हॉकी के हम बादशाह हैं, ठीक है। अब क्रिकेट के भी बादशाह बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना पहले तो जानो 1894 में करी गई, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? स्विट्जरलैंड का लाउसेन इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इस टाइम पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है? इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। क्या नाम है? थॉमस बैच। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, अगर हौसले हो तो फासला क्या है, यह बात अपने दिमाग में बनाए रखिएगा।
अगर हौसले आपके जबरदस्त होंगे, जुनून तगड़ा होगा, तो यार कुछ भी कर जाओगे, और नहीं तो बहाने तो हमारे पास रहते ही हैं। फला व्यक्ति इसलिए कर गया, उसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, उसके पिताजी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, उसके घर में एसी लगा हुआ है। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। उसके घर में एसी लगा है तो लगा रहने दो, वो लगा रहेगा। तुम्हारे घर में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये तुम पे डिपेंड कर रहा है। उसके पास जो भौतिक सुख है, वो भौतिक सुख तुम ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये तुम पे डिपेंड करता है। वो एसी में चाहे दिन भर सोता रहे, वो कभी भी अपने मां बाप को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये मैटर करता है। तो सवाल अपने आप से वो करो जो तुम्हें चाहिए, तब आएगा उसका जवाब। वरना बहानों के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है, तरह तरह के तमाशे और एग्जाम्पल पड़े हुए, देते रहो, उससे अपना भला नहीं होना है। ओलंपिक का जो लोगो होता है, उसमें कौन सा कलर इनमें से नहीं होता है? ओलंपिक का लोगो देखा है ना भाई, ऐसा होता है ना। अब ये जो पांच छल्ले होते हैं, इन पांच छल्लों में रेड होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ब्लू होता है और ब्लैक होता है। मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो कि बचपन में पढ़ाई जहां से चालू करी, वो काले बोर्ड से चालू करी थी स्कूल में, तो काला तो होगा ही भाई, ठीक है। बाकी लूडो वाले चारों कलर, इनके अलावा कोई नहीं होता। तो भैया ब्राउन इज द राइट आंसर, ब्राउन नहीं होता है। ओलंपिक्स 2020 कहां पर होने थे? ओलंपिक 2020 जापान में हुए हैं, टोक्यो में। हालांकि कोविड की वजह से ये 2021 में हुए, लेकिन कहा तो ओलंपिक 2020 ही जाएगा ना, उन्हें एडिशन तो वही था। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसके द्वारा लिखा गया गीत है? रवीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद चटर्जी, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर श्याम लाल गुप्ता पार्षद? तो ये श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को फिल्टर करता है? हमारी बॉडी में ब्लड से यूरिन को फिल्टर करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी करती है। किडनी एक छन्नी की तरह होती है, जो कि हमारे रक्त से अशुद्धियों को बाहर निकाल देती है, और वही अशुद्धियां मूत्र के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये शहनाई वादक थे, और दुनिया के सबसे बड़े शहनाई वादकों में से एक उस्ताद बिस्मिल्ला खां अपने हुनर का लोहा मनवा चुके थे। और इनका निधन कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1916 में, और इनका निधन हुआ है साल 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेंज में से किसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? आपको तो पता ही है, हिमालय जो है हमारा, ये चार भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे लेसर हिमालय। तो जो दूसरे नंबर वाला है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का मतलब हिम से आच्छादित, हिम का मतलब क्या है? बर्फ, और आच्छादित मतलब ढका हुआ, तो हिम से आच्छादित हिमाद्री, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी महिला है जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में माउंट एवरेस्ट का शिखर छुआ था? तो ये है ज़ुंको ताबी। ज़ुंको ताबी कहाँ की हैं? जापान की हैं, दुनिया की पहली महिला, ठीक है, और भारत की पहली संतोष यादव। पीलिया कौन से अंग से जुड़ा हुआ है? अगर कि कोई व्यक्ति ज्वाइंटिस का शिकार हो गया है, ज्वाइंटिस का शिकार हो गया है, तो बताइए उसकी बॉडी में कौन सा अंग अफेक्टेड होगा? एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद सारा आसमान पड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी अभी सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अगर कहीं चूक गए तो आखिर में यही दिन याद आएंगे। और फिर पता है कौन सा एक शब्द जिंदगी भर हमारे साथ जुड़ा रहता है? वो एक शब्द है काश। क्या है? काश। फिर हम जिंदगी ऐसे ही गुजारते हैं, काश हमने ये कर दिया होता, काश हमने ये कर दिया होता, काश हमने 10 ईंटें फोड़ दी होती एक बार में,
काश हमने उसको पत्थर मार दिया होता, काश हमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दी होती, काश अपने थप्पड़ मार लिया होता मैंने, बस यही रहता है काश। और काश हमेशा किसमें चलता है, वॉज में चलता है, कि ऐसा था, कुछ भी है नहीं। तो इसलिए समझ जाओ, समझ जाओ। इसका आंसर आया लीवर, ठीक है, लीवर वाले सभी लोग सही हैं, लीवर इफेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज एस्टैब्लिश। अभी हम लोगों ने बात करी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन, अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित थे? सम्राट अशोक ने किसको अपना गुरु माना था? सम्राट अशोक ने किसको अपना गुरु माना था? नरहरि को, गौतम बुद्धा को, अग्निमित्र या उपगुप्त? तो उस टाइम पर ये बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त से इंप्रेस थे और उपगुप्त के ही प्रवचनों को सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म में किसको? धम्म नीति को अपनाया था अशोक ने। धम्म नीति, धम्म नीति का मतलब होता है राजपाट त्याग के, परिवार को त्याग के बुद्धा के पदचिन्हों पर चलना। यह कौन सा मुगल बादशाह है जो अनपढ़ था? अकबर। अकबर अनपढ़ था, इसलिए नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर, अकबर। अगला क्वेश्चन, शहर अमृतसर की स्थापना किसने करी है? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा करी गई थी, ठीक है, गुरु रामदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर सिस्टम। आज की डेट में आप देखते हो ना, दुनिया का कोई भी ऐसा गुरुद्वारा नहीं है जहां पर 24/7 लंगर ना चल रहा हो, लंगर चलता रहता है। तो जो लंगर सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी है, और ये कौन है? गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत करी थी। आगे आ जाते हैं, कौन सा वेद मंत्र का जाप करने के बारे में बताता है, मंत्रास चैंट के बारे में? तो ये है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और यही गायत्री मंत्र के बारे में भी बताता है। अथर्ववेद मैजिकल ट्रिक्स के बारे में बताता है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुर्वेदा के बारे में भी अथर्ववेद बताता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत सरकार लगातार आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जिससे हमें आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है? अथर्ववेद। सामवेद, ए फॉर आयुर्वेद, ए फॉर अथर्ववेद, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। सामवेद, एस फॉर सामवेद, एस फॉर संगीत, मतलब म्यूजिक के बारे में बताता है। एस फॉर स्वयंवर, मतलब विवाह के बारे में बताता है। और यजुर्वेद पोइट्रीज के बारे में, और ऐसे राइटिंग के बारे में, मतलब गद्य और पद्य के बारे में, लिखने की टेक्निक बताता है। किस वर्ष में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो 5-year plan सबसे पहले 1951 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा कांग्रेस के टाइम पीरियड में स्टार्ट करी गई थी, 1951 से लेकर 56 तक। यह पहला 5-year plan था। सॉफ्टोमोटिव लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ये इनमें से कौन सी कंपनी की बच्चा कंपनी है, मतलब सब्सिडरी है, चाइल्ड कंपनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ठीक है। जैसे गूगल पेरेंट, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पेरेंट कंपनी है सॉफ्टोमोटिव की। एक चाइनीज ट्रैवलर था जिसका नाम था हेशांग। अब ये हेशांग कौन से भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था? इसने भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ है, ये कौन सा विश्वविद्यालय था? तक्षशिला, नालंदा, मगध या हम्पी? तो ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अब इसमें भी एक फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है, वो पता है क्या पूछता है? वो पूछता है, जब हेशांग भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, उस टाइम पर मगध में शासन किसका था, मतलब ये बिहार उत्तर प्रदेश वाले रीजन में शासन किसका था? हर्षवर्धन का शासन था, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, बलबन ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी, फिरोज शाह तुगलक ने एक नए शहर की स्थापना करी थी जिसका नाम था जौनपुर, इसको अपनी राजधानी बनाया था, और यही जौनपुर सिराज ए हिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? सिराज ए हिंद। एक क्वेश्चन बनता है, सिराज ए हिंद किसको बोलते हैं? जौनपुर को। वो देखिए ना, मिर्जापुर जिसमें सरहद की टेरिटरी होती है, तो वहां पर जाता है मुन्ना, और मुन्ना कहता है जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं, वही जौनपुर। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर, इसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट?
वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट? करिए आंसर। ये क्या हो रहा है यार, आई थिंक स्ट्रीम चल रही है या नहीं चल रही है, सिस्टम हैंग क्यों मार रहा है? वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट? देखो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी में कितनी देर में आता है, तो हमें इसका आंसर पता है करीब 8 मिनट 15 सेकंड में आता है, कहीं कहीं पर 8 मिनट 10 सेकंड लिखा रहता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, ठीक है, तो 60 × 8 कर दो, 8 × 6 = 48, ठीक है, और प्लस 15 या 20 सेकंड अपने हिसाब से जोड़ लो, तो करीब करीब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस में एक नया दस्तावेज बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब कोई भी नया डॉक्यूमेंट है उसे सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेव एज, सेव, रीनेम या फिर ओपन डॉक्यूमेंट? देखो ओपन तो साफ समझ आ रहा है, ओपन के लिए होता है, ठीक है, तो इसको हटा दो। यार मैं एक सेकंड देख लूं, सिस्टम ऐसा लग रहा है हैंग हो रहा है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, रुकिए एक मिनट, ये रीस्टार्ट कैसे हो गया भाई? हाँ भाई सब कुछ ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि स्ट्रीम कट हो गई। जो लोग सेव एज कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। देखो मेरी बात ध्यान दो, जिनको समझ नहीं आ रहा है इसको हटा दो, रीनेम और ये वाला कंफ्यूजन इसमें होता है। सेव का मतलब पता है क्या होता है, कोई फाइल हमारी पहले से है और उसमें आपने कोई भी चेंजेस कर दिए, मान लो लिखा था वरुण और आपने इसमें चेंजेस क्या किए, वरुण के आगे अवस्थी लिख दिया, ठीक है, और इतना करके जब आपको सेव करना है तब आप सेव का यूज करोगे। लेकिन कोई नई फाइल अगर है तो नई फाइल को हमेशा सेव करने के लिए आपको दो चीजें देनी ही पड़ती हैं, पता है क्या? पहली चीज तो लोकेशन, कि कहां आप वो फाइल सेव करोगे। कोई नया फोल्डर बनाते हो तो पहले लोकेशन देते हो ना, कहां सेव करोगे, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहां। और दूसरी चीज उसका नाम, बिना नाम के सेव कर लोगे क्या? तो इसका मतलब क्या होता है, सेव एज। तो कभी भी न्यू फाइल को आपको सेव करना है तो सेव एज में ही जाना होगा। सेव एज का मतलब है लोकेशन और नाम देना पड़ेगा, और सेव आप डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल पर। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेव एज। अगला क्वेश्चन, ये सबसे पहले किसने तर्क दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये सूर्य है और सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है अपनी धुरी पर, तो ये जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये सबसे पहले तर्क किसने दिया था? हिपार्कस, कोपरनिकस, हेनरी हम्बोल्ट या फिर लॉसेन डी रिची, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिपार्कस, कोपरनिकस, हेनरी हम्बोल्ट या फिर लॉसेन डी रिची, ये सबसे पहले तर्क किसने दिया था? एक आंसर आ चुका है कोपरनिकस, 2, 3, 4, 5, बहुत बढ़िया, लड़ी सी लग गई है, कोपरनिकस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार किसने बनाई है? तो हैदराबाद की चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई थी। कौन से वर्ष में बनाई गई चार मीनार? 1591 में। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 56 मीटर, 56 मीटर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछूं, हैदराबाद के संस्थापक कौन है? इन्हीं को फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद कहा जाता है, फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, बताइए हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? हिंट देता हूं, कार्नेटिक वॉर पढ़ाया हुआ है, कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किया था रिकॉर्ड करके, लेकिन देखा ही नहीं, मतलब ही नहीं। हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? सत्य प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है, इनका नाम है निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क ये पहले निजाम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस हम मनाते हैं कौन से दिन? तो खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और अगला क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, कि जो खेल दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, ठीक है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है 14 नवंबर से, ठीक है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच आप अवेल कर सकते हो 2024 के हर एक एग्जाम्पल। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच है, इसमें आपसे अंग्रेजी नहीं पूछी जा रही है, सिर्फ जीएसजी के कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ। तो आप जीएसजी के और कंप्यूटर का भी अवेल कर सकते हो, और फुल चाहते हो तो फुल भी अवेल कर सकते हो। पूरा रिकॉर्डेड बैच है, इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस उसमें कंप्लीट कर दिया है। कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर मैगजीन हो गई। 2024 का आप कोई भी एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो तो ये वाला बैच, लाइव बैच मेरा चल रहा है एप्लीकेशन में, एग्जाम इंजन में। डिस्काउंट अभी आया था बीच में, कब आया था, नवरात्र के पहले दिन आया था, संडे को 50% का, तो कई लोगों ने लाभ उठाया, लेकिन इस टाइम पर 10% ही चल रहा है। डिस्काउंट कोड वरुण 10 आप लगा सकते हो, वरुण 10। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की आपको जरूरत हो फिर भी 25-30% तक की, तो आप टीम को एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी और आपको वहां पर हम मदद कर देते हैं, ठीक है? आज की बात यहीं तक रहेगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें, डेली के करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ वहां पर होते हैं, बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है। तो अगर आप पेड नहीं चाहते तो फ्री स्टडी मटेरियल का भी आप यूज कर सकते हो। जब भी आप एप्लीकेशन में जाए तो फ्री स्टडी मटेरियल का अलग से ऑप्शन आ रहा है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करो, जहां पर मैं सारा अपडेट देता रहता हूं, पीडीएफ आपसे शेयर करता हूं, ठीक है? तो ऑफिशियल टेलीग्राम और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन दोनों डाउनलोड करिए। कल सेम टाइम पे 9 बजे दूसरी क्लास में मुलाकात होगी, ऐसे ही 100 क्वेश्चन के साथ जुड़े रहो। अगर ये ल्यूसेंट पूरी कर ली, इस बार रोक नहीं पाएगा कोई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, सुल्तान को मोहब्बत बख्शी है। बाय एवरीवन।